हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनल स्पाइस वर्ल्ड। सबसे पहले सिंधी कढ़ी बनाने के लिए घी गरम करेंगे। उसके अंदर डालेंगे राई, दाना मेथी, कड़ी पत्ता, अदरक और लहसुन छोटा छोटा बारीक बारीक काट कर। उसको अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा एरोमेटिक होने के बाद में उसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। कटे हुए प्याज को हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि वो हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। फिर उसके अंदर डालेंगे हम बेसन। बेसन डालने के बाद में उसको तब तक पकाएंगे जब तक कि बेसन से एक एरोमेटिक खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू ना आने लग जाए, भुनने की खुशबू ना आने लग जाए। उसके बाद उसके अंदर में धीरे धीरे कर हमको पानी मिलाना है। पानी मिलाते समय उसको जरूर चलाते रहिए, नहीं तो उसके अंदर में गांठें पड़ सकती हैं। अच्छे से उनको चलाने के बाद में जब वो थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाए और हमें लगे हमारा बेसन पक रहा है, तब उसके अंदर डालेंगे टमाटर, बारीक कटे हुए टमाटर। डालने के बाद में उनको अच्छे से हिलाना है जब तक कि टमाटर थोड़ा अपना जूस ना छोड़ दें और पकने के मुलायम ना हो जाएं, तब तक हम उनको पकाते रहेंगे। उसके बाद डालेंगे उसमें मसाले, लाल मिर्च डालेंगे, उसके अंदर में हम धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसके अंदर थोड़ा पानी मिलाएंगे, गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसके अंदर में उबली हुई सब्जियां डालेंगे। सब्जियां डाल के हमको उसको चलाना है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद हमको डालना है इसमें इमली का पल्प। 2 टेबलस्पून इमली का पल्प हम इसके अंदर डाल के इसको पकाएंगे और हमारी सिंधी कढ़ी बन के तैयार है। इसमें हरा धनिया डालकर इसको गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे चावल के साथ। चावल की रेसिपी मैंने आपको पहले भी वीडियो पे बताई हुई है, उसको फॉलो करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें अच्छे रिव्यूज़ देते रहिए। थैंक यू सो मच।